छात्र नमस्कार, मेरा नाम मंगा है। मैं JPHS इंदिरा नगर सिद्धिपेट में हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ कि वार्षिक प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न 7 अंक के लिए होता है, वहाँ कैसे लिखना है इस विषय में मैं आपको विवरण रूप से समझाऊंगी। विस्तारण रूप से आप जो समझेंगे वह ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि यह निबंधात्मक प्रश्न है, इसे 7 अंक है, पूरे 7 अंक आना चाहिए। इसलिए जो तुम लोग लिखते हो उसमें विषय रहना चाहिए। तो पहले हमें उस प्रश्न का उत्तर पहले लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह प्रश्न किस पाठ से है, यह प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए। इसीलिए पहले हमें एक प्रश्न दिया गया है, कंठन का अधिकारी कविता के सारांश लिखिए या उसका भाव लिखिए। इस तरह प्रश्न को देने पर हमें उत्तर लिखना चाहिए कि कंठन का अधिकारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी है। यह कविता कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इसमें श्रम और श्रमिक का महत्व बताया गया है। भीष्म धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, श्रम और भुजबल ही मानव समाज के एकमात्र आधार है। श्रम के आगे पृथ्वी और ऊंचा आसमान भी विनीत हो जाते हैं। संसार में श्रम करने वाले मजदूर का स्थान महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले श्रमिक को सुख प्राप्त करने देना है। श्रमिक को कभी पीछे नहीं रहने देना चाहिए। इस तरह हम प्रश्न का उत्तर को कम से कम 7 पॉइंट में लिखना चाहिए, क्योंकि 7 अंक रहने पर कम से कम 7 अंक रहना पॉइंट्स रहना चाहिए। इस तरह और अंत में विशेषता इस तरह बताना चाहिए कि इस कविता में श्रम का महत्व बताया गया है और यह प्रेरणादायक कविता है। धन्यवाद।